अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शायमा अपने चैनल कुकिंग विद शायमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस से हम बनाएंगे प्याज के पराठे। अक्सर करके अगर आपने ढाबे पे खाना खाया होगा तो दाल के साथ आप प्याज के पराठे सर्व करते हैं, आज मैं बिल्कुल उसी अंदाज से बनाने वाली हूँ। तो आपके लिए एकदम सुपर ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें हम बिना स्टफिंग भरे प्याज के पराठे बनाएंगे और टेस्ट बिल्कुल के उनसे ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ही क्रिस्पी। चलिए मेरी रेसिपी को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसके बाद 1 कप मैंने बेसन लिया है, 2 कप में 1 कप बेसन जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला 1 चम्मच और इसमें मैंने डाला है तेल। इन सारी चीजों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद देखिए आप चाहें तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं बट हाथों से ज्यादा अच्छा मिक्स होगा। और ये सारे में अच्छी तरह से हम मलमल के और इसको अच्छी तरह से तेल को में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी बारीक चॉप्ड करके उसे डाल दिया है। धनिया हमें लेनी है ढेर सारी लेनी है, इसमें कोई रेशियो नहीं है, आप 1 कप जितनी भी ले सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 4-5 हरी मिर्च ली है, धनिया ज्यादा होती है प्याज ज्यादा होती है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो प्याज और धनिया का रेशियो थोड़ा अच्छा रखिए। मैंने मिर्च डाली है 4-5, अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और उसके साथ आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को डालने के बाद मैंने मिक्स करके पानी डालकर और इसे अच्छा सा डो बना लिया है। और ये हमने गूंदने के बाद इनकी लोइयां काटनी है और इसे अच्छे से पेड़े बनाकर रख लिए हैं, अब इसे हम बेल लेते हैं। यहाँ पर इनको बेलना बहुत ही आसान है, सिंपल, हमने जैसे रोटी बेलनी होती है बिल्कुल वैसे ही इन्हें भी बेल लेना है। हम अच्छी तरह से आटा लगाकर आटा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे और अच्छी तरह से इन्हें हम बेल लेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इन्हें हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, हमें इन्हें थोड़ा मोटा रखना है और इसे बेलने में बहुत आसान है और इतनी आसान सी रेसिपी। उसके बाद हमने इसे बेल लिया, बेलने के बाद हमें इसे थोड़ा सा फोक से इस तरह से हम बना लेंगे, फोक से हम इस तरह से प्रिक कर लेंगे ना पराठे तो इससे क्या होगा फूलेंगे नहीं, तो इससे बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इधर मैंने पैन लिया, पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है ठीक उसमें डाल दिया। डालने के बाद देखिए इस तरह से हमने इसे सेक लेना है दोनों तरफ से उलट पलट कर और इस तरह से करारा बिल्कुल बनकर तैयार हो। अब हमारे सारे पराठे हम इसी तरह से बना लिए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप इसे दाल के साथ खाएं और खास करके अगर यानी तुअर की दाल और माश की दाल मिक्स करके बनाएं और उसके साथ खाएं ना तो बहुत ही यमी लगते हैं। चाय के साथ या किसी भी नॉनवेज ग्रेवी के साथ खाइए, बहुत ही यमी लगते हैं, तो जरूर ट्राई करिए। आप इस तरह से जरूर बनाकर खाइए और मेरी रेसिपी से बनाइए, देखिए कितने क्रिस्पी और कितने सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप आलू के पराठे के फैन है ना तो आप अब इसके भी फैन हो जाएंगे, तो मेरी रेसिपी से जरूर ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।